अगर एक बार सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगे तो उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। और अब अफवाहें फैल रही हैं इस बात पर कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोका कोला की बोतलें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने से सिर्फ इसलिए हटा दी क्योंकि वो पसंद नहीं करते हैं इसराइल को और कोका कोला इसराइल की कंपनी है। ये खबर चल रही है और इसको सोशल मीडिया पर आगे शेयर भी किया जा रहा है कि जो इसराइल पैलेस्टाइन पे जुर्म कर रहा है उसके खिलाफ है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, इसलिए उन्होंने इसराइली कंपनी कोका कोला की जो बोतल रखी थी वहाँ पर उनको हटा दिया। लेकिन हकीकत क्या है? तो इसमें सबसे पहली हकीकत तो ये है कि कोका कोला एक अमेरिकी कंपनी है, अमेरिका से कोका कोला की शुरुआत हुई थी। यकीनन आज के वक्त में कोका कोला अपना काफ़ी ज़्यादा काम इसराइल से ऑपरेट करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसराइल की कंपनी है कोका कोला। कोका कोला अभी भी अमेरिका की कंपनी है। और जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोका कोला हटाई थी, कहीं ना कहीं वो एक चीज़ दिखाना चाहते थे कि वो कोका कोला नहीं पीते। उनके सामने रखी है तो शायद ऐसा प्रतीत हो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोका कोला पीते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है रोनाल्डो जिस लीग में खेल रहे थे कोका कोला उसका स्पॉन्सर होगा, और जब स्पॉन्सर हैं तो अपने स्पॉन्सर का ख्याल तो रखा ही जाता है। लेकिन शायद रोनाल्डो को इस बात का एहसास होगा कि उनका कोई पर्सनल स्पॉन्सर तो है नहीं कोका कोला, और ऊपर से उनके अकॉर्डिंग हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है, और वैसे भी बहुत कम स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो रेगुलरली कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन तो कोल्ड ड्रिंक पीते ही नहीं इस तरह की, और अगर कुछ पीते हैं तो महीने दो महीने में एक बार पी लेते हैं। हालांकि ये बात सब जानते हैं कि हेल्थ के लिए कोल्ड ड्रिंक खास करके कोका कोला जैसी इतनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती और इनके कोई फ़ायदे नहीं होते, लेकिन कोल्ड ड्रिंक की तरह पिया जाता है, कभी कभी लिया जाता है, और यही कारण है कि आम आदमी इनका सेवन कर लेते हैं कभी कभी। लेकिन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी जो अपने फिटनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा सजग रहते हैं, उनको लगता है कि अगर ये पी लिया तो इसका बॉडी पर कल ही इफ़ेक्ट हो जाएगा, तो वो नहीं पीते। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी उनमें से एक है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर उन्होंने हटा दिया मतलब उनकी चॉइस नहीं है कोका कोला। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोका कोला पीने वाले लोग कोका कोला पीनी बंद कर देंगे। कोका कोला पीने वालों की कोई कमी नहीं है दुनिया में, और इतने लोग हैं कि वो जैसे पहले पीते थे अभी भी पियेंगे। कुछ लोग पीना भी बंद कर देंगे तो नए ग्राहक जुड़ जाएंगे कोका कोला के साथ, क्योंकि कोका कोला एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है। सिर्फ कोका कोला नहीं, कोका कोला के इसके अलावा और कई कोल्ड ड्रिंक आती हैं, और यही कारण है कि कोका कोला का जो मार्केट शेयर है $242 बिलियन है, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बोतल को हटाने के बाद $4 बिलियन गिरा है, लेकिन वापस से बहुत जल्दी वहीं पर आ जाएगा, क्योंकि कोका कोला एक सबसे बड़ी कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है दुनिया की, और कोका कोला के जो ग्राहक है वो बढ़ते ही हैं, कम नहीं होते, चाहे कोई स्पोर्ट्स पर्सन उनको पिए या नहीं पिए। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनो दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द चौधरी के साथ। जय माता दी।